तकरीबन जो 3 से 4 महीने हो गए तकरीबन, उसके दौरान में एक लड़ाई हुई थी। हजरत साहब बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हैं, सरदार साहब, ये मेंबर भी इस वक्त अमन कमेटी है, जैसे मैं मेंबर हो गया, वो सेक्रेटरी हो गए, सदर साहब हो गए। तो लड़ाई थी बहुत ज्यादा, लड़ाई के दौरान है ना वो नहीं मार रहे थे, इनका नुकसान हुआ था। और उन्होंने नुकसान किया था, बुजुर्ग थे वो, जवान थे। ऐसे हम सब लोग इकट्ठे हो गए, सदर साहब हमारे साथ थे, इन्होंने वो सलाह कराई। खसारा था जबरदस्त माशाल्लाह। मुझे रिपोर्ट हुई थी टीवी का मसला था, टीवी उसके बाद पूरे 1 महीने से हमारी गटर लेन बंद थी, पूरे 1 महीने से। उसके बाद सदर साहब की मेहनत से, कोशिशों से, सब के सहन के तो काम हो गया जबरदस्त। अमर के मेरे ये तो फायदा था हमें, बिल्कुल बिल्कुल। बात ये होती है कि इकट्ठे होकर जो है ना आप बहुत बड़े बड़े मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं, सिर्फ जुबान के जरिए, वरना पैसा भी लगता है, ताकत भी लगती है, और मसले भी हल नहीं होते। ठीक है, खाने के लिए जितने भी मेंबर हैं, सबसे ज्यादा मैं तो सदर साहब कर रहे हैं, और ये सेक्रेटरी साहब हैं, ये कर रहे हैं, तो मेंबर हैं इनके पीछे। लहरी साहब जो है, लहरी साहब जो है लहर में है, सलीम लहरी साहब, और ये सबके साथ ही चल रहे होते हैं। ठीक है ना, इनका तो मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इनकी मेहरबानी, यूनुस साहब हो, जैसे इनकी बहुत फयाज भाई हो गए, फयाज भाई हो गए, फयाज भाई हब्बल मेंबर है।